जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में आपको हम बताएंगे कंडेंसर के बारे में, संधारित्र के बारे में, व्हाट इज कंडेंसर। ठीक है, इसमें आगे हम बताएंगे टाइप्स ऑफ कंडेंसर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं, आपको पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का क्या धारिता होता है, कैपेसिटी होता है उनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कंडेंसर जो है बेसिकली कोई, मान के चलिए कोई कंडक्टर है, उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर, संधारित्र। ठीक है, अच्छा आप लोग जानते हैं कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर में तो C बराबर होता है फ्रेंड्स क्यू बाय वी, क्या होता है C बराबर क्यू बाय वी। तो यहाँ पर देखिए हमको कैपेसिटी बढ़ाना है कोई भी डिवाइस को, तो हमको क्या बढ़ाना होगा, तो इस हिसाब से हम जान जाएंगे C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q का, मतलब C कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो है वो आवेश का समानुपाती होगा और ये जो है पोटेंशियल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम मान के चलिए कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उस प्लेट पर हमको क्या करना होगा, चार्ज को बढ़ाना होगा, तब तो मेरा कैपेसिटी का मान बढ़ेगा। तो इसी के बारे में हम सीखेंगे। तो कंडेंसर क्या हो गया, कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस हो गया जिसमें हम, जिसका कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, चार्ज को बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार किसी डिवाइस का हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अभी आपको हम डिफिनेशन बताया उसको हम बोर्ड में लिख दिए हैं। द डिवाइस विच इज यूजफुल टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, वह डिवाइस विच इज यूजफुल जिसका प्रयोग किया जाता है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसर, उसको क्या कहा जाता है, कंडेंसर कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कंडेंसर जो है कैसे बनता है उनके बारे में जानिए। इसमें फ्रेंड्स दो प्लेट की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्लेट होना चाहिए। ठीक है, दोनों प्लेट मेटल का बना होना चाहिए और इसमें है कि एक प्लेट, पहले प्लेट को इसमें चार्जिंग किया जाता है, दूसरे प्लेट को अर्थिंग किया जाता है। चार्जिंग वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश, और अर्थिंग वाले प्लेट पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब फ्रेंड्स अर्थिंग ऑटोमेटिक है, उसमें क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, तो जिससे क्या होता है कोई भी कंडेंसर पर, ठीक है, कंडेंसर पर चार्ज का मात्रा बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ जाता है, जिससे कि कंडेंसर का जो काम है, जिससे कि उसका कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। अब देखते हैं, दो अलग अलग प्लेट लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग किया जाता है, इस पर सब जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये दूसरा प्लेट हुआ फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, अर्थिंग किया जाता है, तो अर्थिंग किया जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक को चार्जिंग, दूसरे को क्या फ्रेंड्स किए, अर्थिंग, क्या किए, अर्थिंग किए। अब देखिए कि मेन काम मेरा क्या था, कंडेंसर का मेन काम था चार्ज को बढ़ाना, और इस ढंग से करने से मेरा क्या हो गया कि ये जो Q को है हाई हो गया, और हाई हुआ तो आप जानते हैं C बराबर Q बाय V, अर्थात Q हाई होगा तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस प्रकार एक कंडेंसर का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ए कंडेंसर, तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से लिखिए। फ्रेंड्स अभी तो हम लोग कंडेंसर पढ़ रहे हैं, कंडेंसर आप देखेंगे फैन में लगता है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे इसका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग
कैपेसिटी का इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अलग अलग कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंडेंसर का काम क्या है, आप देखेंगे एक फैन है वो कम स्पीड से घूमता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर उसका स्पीड को बढ़ाना रहता है तो उससे हल्का हाई पावर का कंडेंसर को प्रयोग करते हैं, क्योंकि फैन का भी एक अपना कैपेसिटी होता है कि मान के चलिए कितना वाट का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो मेजर करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर केस में हम वाट में प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग वाट के लिए अलग अलग कंडेंसर का भी प्रयोग होता है। अब देखें फ्रेंड्स, कंडेंसर एक प्रकार का क्या है, कंडेंसर एक प्रकार का कैपेसिटी है। देखिए कैपेसिटी मतलब धारिता। अब देखिए कैपेसिटी है तो कैपेसिटी का जो यूनिट होगा वही कंडेंसर का यूनिट होगा। तो कंडेंसर, अब मान के चलिए आप सुने होंगे 2.5 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है, 1.5 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है, तो ये इसका जो कैपेसिटी का यूनिट होगा इसका इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली आप देखे होंगे फैन सब के लिए जो कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है वो उसमें उसका जो कैपेसिटी रहता है 2.5 माइक्रोफैराड। आज जैसा फैन है फ्रेंड्स, अगर कम वाट का होगा तो उससे कम का होगा 1.5 माइक्रोफैराड, तो इस प्रकार कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसर, देखिए बेसिकली 3 टाइप्स के कंडेंसर हैं फ्रेंड्स। पहला है पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स है, दूसरा है आपका एस्फेरिकल कंडेंसर, तीसरा फ्रेंड्स सिलेंड्रिकल कंडेंसर। आइए बारी बारी से एक एक करके फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का कितना प्रकार होता है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ कंडेंसर। ठीक है, तो देखिए बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंडेंसर होता है, तो इसमें पहला है पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, फिर इसमें दूसरा फ्रेंड्स है एस्फेरिकल कंडेंसर, तीसरा जो है फ्रेंड्स इसमें सिलेंड्रिकल कंडेंसर। पहला क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं इसको, एस्फेरिकल कंडेंसर, एस्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोलाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, इसका हिंदी हुआ, आप लोग जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम का होगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके हम सीखते हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कंडेंसर। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर वैसे कंडेंसर को कहा जाता है जिसका दो आपस में दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या होगा, जैसा कि नाम से ही तत्पर है, पैरेलल होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे वैसा संधारित्र, वैसा कंडेंसर जिसका कि दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे का समांतर हो, पैरेलल हो, उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, तो लिखते हैं व्हेन, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए फ्रेंड्स, व्हेन बोथ प्लेट्स ऑफ ए कंडेंसर, क्या लिखे फ्रेंड्स, व्हेन बोथ प्लेट्स ऑफ ए कंडेंसर आर parallel to each other, when both plates of a condenser are parallel to each other, then it is called parallel plate condenser.
तो इसमें लिखे व्हेन बोथ प्लेट्स ऑफ ए कंडेंसर आर पैरेलल टू ईच अदर, जब बोथ प्लेट्स मतलब दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे का क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कंडेंसर कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसका एक्सप्रेशन किस ढंग से निकलेगा। इस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कंडेंसर में हम कैपेसिटी का मान किस ढंग से निकालेंगे उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसका एक्सप्रेशन को निकालते हैं, लिखते हैं फ्रेंड्स लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स x एंड y आर पैरेलल टू इस अदर लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स, हम दो प्लेट्स लेते हैं फ्रेंड्स x एंड y आर पैरेलल टू इच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं फ्रेंड्स समांतर में रखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज डी, स्मॉल डी है दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रेंड्स, और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ए है, एंड एरिया बिटवीन बोथ ए है फ्रेंड्स, दो प्लेट हम लिए x एंड y, ठीक है इन दोनों के बीच का दूरी d है और उसके बीच का जो सरफेस है उसका एरिया क्या है a है, और देखिए फ्रेंड्स कि इन दिस केस, इन दिस केस फर्स्ट प्लेट is given in charging and second plate, first plate x दे दीजिए friends and second plate is given to earth, कुछ नहीं लिखे फ्रेंड सिंपल है, पहले प्लेट को क्या किया हम चार्जिंग किए, दूसरे प्लेट को क्या कर दिए हम अर्थिंग दिए, मतलब अर्थिंग कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक्सप्रेशन किस ढंग से निकलता है, तो जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है, आप एक काम कर सकते हैं एक तो फिगर लिख लीजिए उसके बाद दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, हाँ उसके बाद देखिए ये प्लेट क्या है x है, ये प्लेट y है, ठीक है इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या किए चार्जिंग किए, चार्जिंग दिए या चार्जिंग किए, ठीक है इसको फ्रेंड्स अर्थिंग किए, क्या किए अर्थिंग किए, ये r t s i n g, इसके बीच का दूरी फ्रेंड्स क्या है d है, और इसका जो एरिया है ये सरफेस जो आप देख रहे हैं इस बीच में इसका a है, ठीक है ये हम क्या बनाए पैरेलल प्लेट कंडेंसर बनाए। देखिए क्या किए दो प्लेट है आपस में एक दूसरे का देख रहे हैं समांतर, अब समांतर कितना फ्रेंड्स को दिक्कत हो रहा हो, समांतर फ्रेंड्स ये हुआ एक लाइन एक दूसरे का क्या है पैरेलल है, ठीक है पैरेलल में कितना डिग्री का कोण बनता है जीरो डिग्री का। अब देखिए कि अब देखिए या इसको भी आप पैरेलल बोल सकते हैं, जब भी दो लाइन आपस में कहीं नहीं मिले इन्फिनिटी पर मिलता हो या नहीं भी मिलता हो, ठीक है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल है, यहाँ प्लेट देखिए क्या है एक दूसरे का समांतर है, तो ये कैसा प्लेट कंडेंसर हुआ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो आप लोग इसको लिखिए हम आगे बताते हैं इसका एक्सप्रेशन किस ढंग से निकलते हैं। देखिए फ्रेंड्स
अभी आपको हम एक्सप्रेशन इसका बताएंगे, किस प्रकार पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटी को हम निकाल सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें बेसिकली आप जान लिए, दो प्लेट आपस में क्या रखते हैं, एक दूसरे के समांतर रखते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी लिया जाता है, और इसके बीच का जो सरफेस हुआ उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, तो उसके लिए हम एरिया का साइन ए ले लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले प्लेट को चार्जिंग किया जाता है, दूसरे प्लेट को अर्थिंग किया जाता है, बस इतना तक है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम कि इसमें जो हमको कैपेसिटी का मान निकालना है उनको कैसे किस ढंग से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली हम पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला बहुत पहले हम बता चुके, जिस समय हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे पोटेंशियल बराबर होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। क्या पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। आप याद में आपको फ्रेंड्स होगा कि यहां पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का मान जो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस होता था, या इसको इस प्रकार पढ़ाए होंगे फ्रेंड, डी भी बाई डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ माइनस का साइन था। ये रिलेशन में बताए थे फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वाला मेरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कहाँ से होगा, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और देखिए कोई भी सरफेस है बाय कूलम्स थ्योरम से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसका मान होता है फ्रेंड्स बाय कूलम्स थ्योरम, मेरा कूलम्स थ्योरम वाला वीडियो देखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कोई सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हो गया भी, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, भी, या तो भी बराबर लिख लीजिए ई इंटू डी, ठीक है। तो भी लिख दिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ से लाए, बाय कूलम्स थ्योरम से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का मान फ्रेंड्स यहाँ क्या लिए हैं, डी डी दे। यहाँ तक आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स सिग्मा किसको कहते हैं, सिग्मा भी पढ़ा चुके हैं। देखिए एक एक वीडियो अगर मेरा आप देखे होंगे आपको कहीं भी समझने में परेशानी नहीं होगा, अगर छोड़ छोड़ के वीडियो देखेगा तब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था फ्रेंड्स सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, ये भी फ्रेंड्स पढ़ा चुके हैं, सिग्मा बराबर होता था क्यू बाय ए। इसका मतलब हुआ पर यूनिट चार्ज पर जो आवेश हमको प्राप्त होता था, पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, जो चार्ज हमको प्राप्त होता था उसी को हम क्या कहते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उसको डिनोट सिग्मा से करते थे। तो पोटेंशियल बराबर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय, अब देखिए यहाँ पर चूंकि सिग्मा बराबर होता है फ्रेंड्स क्यू बाय ए, क्यू क्या है, आवेश है, ए हो गया एरिया, तो सिग्मा बराबर हो गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, पोटेंशियल का वैल्यू आया है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब जब पोटेंशियल का वैल्यू आ गया है और हम कैपेसिटी निकालने के लिए ऑलरेडी जानते हैं सी बराबर क्यू बाय भी होता है चार्ज बटा पोटेंशियल, तो अगर पोटेंशियल का मान दिया गया है वो भी चार्ज के टर्म में, तो आराम से हम पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। अब देखिए कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो गया सी बराबर क्यू बाय बी, तो क्यू रहने देंगे। अब भी का मान जो है, ये पोटेंशियल का मान हम रखेंगे, कितना निकला है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखिए कुछ नहीं किए, भी का मान ऑलरेडी हम रख दिए, अब यहाँ से Q और Q को कटा देंगे तो C बराबर जो फ्रेंड्स है ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा इंटू डी हो गया। ये मान क्या निकला फ्रेंड्स, ये निकला कैपेसिटी का मान, कब, जब पैरेलल प्लेट कंडेंसर हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान निकला ए एप्सिलॉन नॉट इन बाय डी, ए क्या हो गया, एरिया हो गया, दोनों प्लेट के बीच का क्या एरिया है वो हो गया,
दूसरा एप्सिलॉन नॉट, कूलम्ब लॉ में हम पढ़ा चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू फ्रेंड्स बताए होंगे 8.85 × 10⁻², कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाय डी क्या हो गया, दोनों प्लेट, दो प्लेट को रखे ऐसे, दोनों प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया डी। तो यहां से हम कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर निकाले, कैसा कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो आप लोग इसको लिखिए और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मान के चलिए 2 नंबर में भी पूछेगा तो आपको पूरा सॉल्व करना है, कभी कभी 5 नंबर में भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो पूरा सॉल्व करना है। तो इसको अच्छे ढंग से लिखिए। आगे हम बताएंगे कि इसमें जब दो प्लेट है इसके बीच डायलैक्ट्रिक को भर देंगे, कोई डायलैक्ट्रिक विद्युत रोधी को भर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको आप लिखिए। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, ठीक है, उनके बीच अगर एक डायलैक्ट्रिक को रख दिया जाता है जो कुछ मोटाई का हो, तो उसके कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर का जो एक्सप्रेशन अभी आप देखे उसको और इसको, ये दोनों से बराबर क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका हेडिंग दे दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी विथ डायलैक्ट्रिक ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर के साथ अगर डायलैक्ट्रिक को रखा जाता है तो क्या एक्सप्रेशन होगा कैपेसिटी का, उनके बारे में जानते हैं। तो अब देखिए इसका पहले तो फिगर बना लेना है, दो पैरेलल प्लेट ले लेना है, एक को क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही प्रोसेस होगा, एक को चार्जिंग, दूसरे को अर्थिंग कर देंगे। चार्जिंग इसको फ्रेंड्स अर्थिंग कर दिया जाता है, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, दोनों प्लेट के बीच, इसके बीच क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक कुछ मोटाई थिकनेस वाला, ठीक है, एक कुछ मोटाई का इसके बीच हम डायलैक्ट्रिक को रख देते हैं, जिसका मोटाई मान लेते हैं फ्रेंड्स क्या है, टी है। किसका मोटाई, डायलैक्ट्रिक का मोटाई, ये क्या है फ्रेंड्स, डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक जिसको फ्रेंड्स विद्युत रोधी कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। इनके बारे में, डायलैक्ट्रिक के बारे में भी पहले हम बता चुके हैं एक एक टॉपिक, आप लोग उसका वीडियो जरूर देखिए अच्छा ढंग से अगर समझना है तो। तो ये डायलैक्ट्रिक हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस डी हो गया, और इसका जो सरफेस होगा वो एरिया तो होगा कुछ ना कुछ, तो एरिया हो गया मतलब ओवरऑल एरिया, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपका पहले प्लेट को चार्जिंग, दूसरे प्लेट को अर्थिंग करते हैं, बीच में एक डायलैक्ट्रिक रखते हैं, तो एक्सप्रेशन पर क्या इफेक्ट आएगा उनके बारे में सीखते हैं। तो इसमें देखिए हम एक एक करके निकालते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें पोटेंशियल निकालते हैं V1, पहला पोटेंशियल निकालते हैं फ्रेंड्स, पोटेंशियल ड्यू टू एयर। इसमें दो केस बन गया, एक क्या है एयर के कारण जो पोटेंशियल होगा और एक डायलैक्ट्रिक के कारण जो पोटेंशियल होगा, दोनों को निकालना होगा। उस कंडीशन में क्या था, ये डायलैक्ट्रिक नहीं था, पूरा हॉल एयर था या वैक्यूम था, तो इसीलिए हमको एक ही पोटेंशियल निकालना पड़ा। अब इसमें डायलैक्ट्रिक आ गया तो मीडियम दो हो गया, एक एयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, डायलैक्ट्रिक हो गया। तो अब देखिए यहां पर पहले केस में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर या वैक्यूम जो दी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो V1 बराबर, आप जानते हैं फ्रेंड्स अभी हम जस्ट इससे पहले बताए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर एक होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फ्रेंड्स इस कंडीशन में E, और डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ देखिए अब एयर का निकाल रहे हैं, तो ये जो मेरा एरिया है फ्रेंड्स, इसमें तो डायलैक्ट्रिक भी है,
अगर टोटल डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में डायलेक्ट्रिक का मोटाई, मतलब इसका जो है मोटाई फ्रेंड्स, उसको उसका डिस्टेंस को हम घटा देते हैं तो मेरा पोटेंशियल निकल जाएगा किसका, एयर का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है तो डी माइनस टी। ये फ्रेंड्स कैसे हुआ डी माइनस टी, इसको समझना है मेन। इसको समझने के लिए आपको यहाँ चलना होगा, हम एयर का निकाल रहे हैं मतलब इसका खाली पार्ट, इसका खाली पार्ट, तो टोटल पार्ट में अगर डायलेक्ट्रिक का मोटाई को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा एयर खाली पार्ट जो है वो निकल जाएगा। तो डी माइनस टी कर दी। अब देखिए फ्रेंड्स वी वन बराबर, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मान निकलेगा, तो एयर मीडियम के लिए इसका तो भाई कूलम्स थ्योरम से हम जानते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम या एयर के लिए होता है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी। ये जो फ्रेंड्स निकला ये क्या निकला, ये पहले केस में पोटेंशियल का मान निकला जब खाली प्लेस रहे, जिस प्लेस में एयर या वैक्यूम रहेगा तो उसका निकल गया। अब देखिए सेकेंड केस में यहाँ लिख दीजिए फ्रेंड केस फर्स्ट, यहाँ केस सेकेंड। अब देखिए केस सेकेंड में वी टू जो होगा, अब पोटेंशियल फ्रेंड्स निकालते हैं किसके कारण, डायलेक्ट्रिक के कारण। यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डायलेक्ट्रिक। क्या लिखे फ्रेंड्स, पोटेंशियल ड्यू टू डायलेक्ट्रिक। अब देखिए इसको किस ढंग से हम लोग निकालते हैं, तो वी टू बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, डिस्टेंस तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम यही करेंगे टी इनटू क्या हो जाएगा टी, इसका जो डायलेक्ट्रिक का मान निकालते हैं तो डिस्टेंस इसका क्या है टी है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स तो भी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान देखिए ये जो हम निकाल रहे हैं ड्यू टू डायलेक्ट्रिक, ये क्या आ गया मीडियम आ गया, मीडियम के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बाय कूलम्स लॉ से ही ओनली एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट वो होता है किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, अगर कोई मीडियम आ गया तो मीडियम के लिए ये होता है, तो इसका इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, इनटू टी, इनटू टी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम है फ्रेंड्स, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन में फ्रेंड्स ये मान आ गया किसका, वी टू का पोटेंशियल डिफरेंस केस नंबर टू का। अब क्या करते हैं नेट पोटेंशियल निकालते हैं, क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, केस वन और केस टू को दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, तो वी वन प्लस वी टू, तो वी वन के जगह पर हम रखेंगे फ्रेंड्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस वी टू के केस में निकला है इतना, देखिए ये वाला फ्रेंड्स लिख दिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स वी बराबर यहाँ से जो कमन आ रहा है उसको निकाल लीजिए, ये इतना कमन आएगा डी माइनस टी हो गया प्लस वन बाय एप्सिलॉन आर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए, कैलकुलेशन है, दोनों को जोड़ दिए, जो कमन आ रहा था उसको बाहर कर दिए, उसके बाद जो बचा उसको कोस्ट में रख दिए। अब देखिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें किस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं। ओह फ्रेंड्स एक तो चीज छोड़ दिए, देखिए सिग्मा इंटू टी है तो यहाँ टी होगा फ्रेंड्स, यहाँ भी टी होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझना है, ये तो हो गया इंटू टी, टी लिख दिए, इसका सिग्मा बटा इतना बराबर फ्रेंड्स होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहाँ चूँकि हम लिख देते हैं चूँकि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बराबर, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए हम लोग इतना मान निकाल चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से देखिए कैपेसिटी बराबर सी बराबर क्या होता है क्यू बाय वी, तो क्यू दे दिए। अब देखिए वी के जगह पर कितना है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको सिग्मा बराबर आप पिछले मतलब पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स, चूँकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, तो हम लिख देते हैं क्यू बाय ए। अब देखिए इसमें से जो कमन आ रहा है क्यू बाय ए दे दिए, अब नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट दे दिए, ये जितना कॉस्ट में है रख दिए, डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, सॉरी कुछ नहीं किए फ्रेंड्स, बस सिंपल था जो मान था उसको बैठा दी। अब देखिए ये फ्रेंड्स कट जाएगा और C का जो वैल्यू आएगा, C का वैल्यू तो वो देखिए कितना आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा होगा, ठीक है ए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद D माइनस टी प्लस टी बाय ई आर, ये जो फ्रेंड्स है इसका वैल्यू को लिख दिए, कुछ नहीं किए, ये ऊपर चले गया ये नीचे का नीचे रह गया, तो ये इस कंडीशन में देखिए मेरा कितना निकल गया कैपेसिटी का मान चेंज हो गया। सिर्फ क्या किए हम दोनों प्लेट के बीच को बीच में एक डायलेक्ट्रिक को रखने से मेरा इसके कैपेसिटी पर मान चेंज हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी विथ डायलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल कंडेंसर एंड व्हाट इज सिलेंड्रिकल कंडेंसर, बेलनाकार संधारित्र क्या होता है और गोलाकार संधारित्र क्या होता है। देखिए स्फेरिकल कंडेंसर और सिलेंड्रिकल कंडेंसर से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आता है, इसलिए फ्रेंड्स हम उसमें क्या करेंगे ये दोनों का डेफिनेशन आपको बताएंगे, अब बाकी बाद उसे क्वेश्चन बराबर नहीं पूछता है तो अगला टॉपिक की ओर आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से लिखिए। देखिए फ्रेंड्स अब देखते हैं एस्फेरिकल कंडेंसर क्या होता है, गोलाकार संधारित्र क्या होता है। तो सिंपल है एस्फेरिकल कंडेंसर जैसा कि नाम से ही है गोलाकार, इस कंडीशन में क्या होगा वैसे संधारित्र को हम एस्फेरिकल कंडेंसर कहेंगे, गोलाकार संधारित्र कि जिसका दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे का क्या होगा गोलाकार होगा, ठीक है क्या होगा दोनों प्लेट इसमें क्या होगा गोलाकार होगा, तो वैसे कंडेंसर को हम कहेंगे एस्फेरिकल कंडेंसर। तो इसका डेफिनेशन लिखे फ्रेंड्स, when both plates of the condenser are spherical, क्या लिखे when both plates of the condenser are spherical with respect to each other is called spherical condenser। When both plates of the condenser are spherical with respect to each other is called spherical condenser। Simple है जो बताए friends वही कि इसका जो plates होगा दोनों plates क्या हो गया स्फेरिकल होगा गोलाकार एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे स्फेरिकल कंडेंसर। अब फ्रेंड्स तीसरा जो था सिलेंड्रिकल कंडेंसर में क्या हो गया, इसमें दोस्तों बोथ प्लेट्स क्या हो गया सिलेंड्रिकल होगा, बस सिंपल है कि वैसा संधारित्र जिसमें
एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स क्या हो गया, सिलेंड्रिकल आकार का हो, उसको सिलेंड्रिकल कंडेंसर कहेंगे। बस आकार पर इसको बांट दिया गया फ्रेंड्स, पैरेलल, एस्फेरिकल, कंडेंसर, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही डिफिनेशन लेंगे, देखिए, व्हेन बोथ बोथ प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर सिलेंड्रिकल with respect to each other is called cylindrical condenser. बस सिंपल था ये फ्रेंड्स, कंडेंसर, टाइप्स ऑफ कंडेंसर। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे का सीरीज क्रम में होगा, कनेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन जो बोल सकते हैं फ्रेंड, तो जब सीरीज में रहेगा और पैरेलल में रहेगा दो कंडेंसर कैपेसिटर, तो हम कैसे उसका इक्विवेलेंट मान निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट कंडेंसर का मान निकालेंगे, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज का अब वीडियो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स चैनल समझ में आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया सब अपडेट मिलते रहेगा फ्रेंड्स, और रेगुलर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके।